गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। और कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो देख रहे होंगे आज मेरे को, आज मैं कहाँ हूँ, जंगली जंगल दिख रहा है, मेरे पीछे घास ही घास है और चीड़ के पेड़ ही पेड़ ही दिखाई दे रहे होंगे आपको। और तो आज जाने हम पांडु स्थल, और पांडु स्थल के बारे में विस्तार से फिर आगे भी बताते रहेंगे आपको। तो स्वागत कर दूँ आप सभी दोस्तों का पांडु स्थल की भूमि से, सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे ब्लॉग सुरेंद्र दोस्त आज मेरे पहाड़ पहुँचा रहे हैं, तो अब लगे हैं चढ़ाई नापने में। और आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है, कल भी था, बल आज भी था, दो दिन का बता रहे लोग, पंडित लोग। तो हमारे गांव में एक पांडु की देवी देव भूमि है, वहाँ पर तो कृष्ण जन्माष्टमी को वहाँ पर मेला लगता है हमारे यहाँ। तो बहुत सारे लोग जाते हैं कुमाऊँ गढ़वाल से, और कुमाऊँ गढ़वाल के सरहद के ऊपर है वह बीजू बीज में। तो हम लोग आज जा रहे हैं वहाँ पर, और कुछ लोग कल गए थे। तो बने रहे मेरे वीडियो में और आपको दिखाते रहते हैं पांडु स्थल का नज़ारा। और देखिए अभी कितने ऊपर पहुँचे हैं हम लोग यहाँ। ये जो सैलानी बगड़ दिख रहा होगा आपको नीचे, अभी सैलानी बगड़ के ऊपर आ गए हम लोग। राधे राधे, ये गैंग है हमारी। आज चारों तरफ चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं। हाँ, लीसा लगा हुआ है इस पेड़ में, देखिए कितना छोटा पेड़ है ये, इसमें भी लीसा लगा रखा है लोगों ने, लिशुआ नहीं यहाँ। ये लीसे से भरा हुआ है पूरा, ये आधा पानी है, बाकी लीसा कितना छोटा पेड़ दिख रहे हैं। इतने छोटे पेड़ की मरम्मत कर दी गई है। यह है हमारा गनी गाँव, ये लाडूमरा धार गनी गाँव, ये गौरव सिंह, ये हमारे बच्चे मंडू टोपी पर कर जरा, हाँ खुश हो रहे हैं बच्चे। थकान लगी है, थक गए, बोलो एक बार राधे राधे। हाँ संजय सिंह, ये गर्म पानी लेके आए हैं, इसको ठंडी लग रही है चलने में। अब ये पहुँच गया मंदिरों में, अब इतना चलना है तो रात हमने कहा जरा रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो गाय अभी हम पहुंच चुके हैं, और तडूंग नहीं बरगा मल्ला मंदुरा के नज़दीक। ये ऊपर देखो मंदुरा आने वाला है, ये मंदुरा का खाता। और यहाँ हमारे साथ पधारे हुए कृष्ण भक्त सब यहाँ पधारे हैं। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत ही थकान लगी है, पर हालत ख़राब हो गया, सीधे चढ़ाई ऊपर कुछ हम हजारों फीट के ऊपर चढ़ाई में पहुंच गए हम। यहाँ देखो पानी का अभी तालाब बना हुआ है, यहाँ पर पूरा पानी ही पानी है यहाँ, मस्त। ये देखिए पानी ही पानी है यहाँ पर। यह घनघोर जंगल में इतना पानी है, देखो ऊपर यार। और यह सुंगर खाई बोलते हैं यार, सुंगर खाई, ये ऊपर सुंगर खाई है, पूरा भयंकर जंगल है ऊपर। ये अभी पहुंच चुके हम, अभी तो बहुत दूर है, अभी जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंचे ही नहीं है, अभी बहुत दूर है। और यहाँ पे भी रेस्ट हो रहा है आराम, थक चुके हैं सब लोग, और यहाँ पे अभी आराम फरमा रहे हैं। और ये खाने पीने का बोझ हमारा, इसमें पूरा राशन भरा हुआ है। क्या है इसमें? पराठे राठे, उसमें पूरी है, पराठे हैं, आलू की सब्जी है, आलू के गुटके हैं। और अभी ये ऊपर जो आपके ऊपर धार दिख रहा है, इससे सुंगर खाली है, ये सुंगर खाल। हाँ यहाँ पे आज से कम 10-15 साल मतलब बाद में अकेले नहीं आ सकता था यहाँ पे, अभी भी ऐसा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो जंगली जानवर जो होता है भालू बियर, उसका बहुत आतंक होता है यहाँ पर। और जो सुअर भी आते हैं, लेकिन सुअर तो दूर से देख के भाग जाते हैं, लेकिन भालू क्या होता है, दूर से देख के बहुत पीछा करता है लोगों का। तो आज तो हम साथ में हैं, लेकिन आगे भी गैंग निकली है, और पीछे पीछे भी हम लोग अभी रेस्ट आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर। जरा इस क्लियर नहीं आ रही वीडियो, यहाँ पर पेड़ पेड़ होंगे चारों तरफ, फिर निकलते हैं ऊपर को। लोटे मोटे पानी लेके आ गए, ठंडा पानी है। कितना है पानी वहाँ? बहुत आ रहा पानी, बहुत ही ठंडा पानी है। यह सुंगर खाई के नीचे गधेरे में गए हैं पानी लेने के लिए यहाँ। यह सुंगर खाल बोलते हैं यहाँ। यह
और बहुत ही भयंकर जंगल है यहाँ। बुरांस के ही पेड़ दिख रहे हैं आपको, जहाँ है बुरांस काफल, और काफल और बुरांस के हैं भी अभी यहाँ लगभग लगभग ऊपर को। ये बहुत यहाँ बहुत ही भयंकर जंगल है। यहाँ भालू का भी आतंक ज़्यादा होता है, यहाँ भालू बाघ उगरा वगैरह तो बहुत ही आते हैं यहाँ। तो दोस्तों अभी पहुँच गए हम मुंद्रो में। ये अब मतलब मुंद्रो को जाएंगे, ये रास्ता जाएगा आपको सीधे तल्ला मुंद्रो को, यहाँ से ये सीधा रास्ता उधर को है। अब इसको बोलते हैं पानी का खाव। तो ये कुनर खाल का रास्ता है, सीधे गणगांव को जाता है रास्ता ये वाला। तो यहाँ गाय भैंसों के लिए पानी है यहाँ पर। ये है गणगांव सीधे कुनर खाल को। अब दिख रहा आपको सीधे पांडवसर का धार। तो अभी यहाँ भी पहुँचना है हमको, और सुबह 9 के बज सुबह के बज चुके हैं 9, और हम लोग अभी मल्ला मंदरवा एंटर करने वाले हैं। और गांव ये लमचला है, बिरखाल है, ये लगे बच्चे लोग, मेरे बच्चे लेके रास्ता आगे से है, सारे भतीजे लोग हैं, इनमें से सबसे सयाना मैं ही हूँ। और भी दो चार छोटे छोटे बच्चे आगे निकल चुके हैं, और उनको अभी थकान भी काफ़ी लगी होगी वहाँ। तो ये पर सुंगर खाल है, ये अभी सुंगर खाल में पहुँचने वाले हैं। तो बने रहिए, आपको आपको पूरे पांडव स्थल की यात्रा कराएंगे आज। अभी हम लगे हैं मल्ला मुंद्रा से खड़ी चढ़ाई में। लोड़े मोड़े थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और भूख भी लग चुकी है, और बच्चे लोग कह रहे हैं कि आप खाना खाते करके। मैंने कहा सर वहाँ पहुँचते फिर खाएंगे आराम से खाना, क्योंकि वहाँ बत्ती अत्ती भी जलानी पड़ेगी। और सुबह तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे बहुत थे, लेकिन उन बच्चों ने ऐसी दौड़ लगा दी, वो पहुँच गए होंगे पांडव सर, हम रह गए यहीं। सबसे आगे हम थे सुबह, सबसे पीछे चल रहे हैं अभी लाइन में। ओ दर्शन ये गलो उन्हें ये अच्छा आबा। तो ये पहुँच गए हम बहुत ऊपर अभी। तो गए यहाँ से अभी कपकोट विधानसभा भी दिख रहा है यहाँ से, देखिए आप यहाँ से सीधा गांव दिख रहा है जगथाना। और ज़रा आपको व्यू करके ज़रा पास करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए पीछे गांव दिख रहा होगा आपको, ये हल्के हल्के मकान दिख रहे हैं आपको पीछे, ये है जगथाना। और ये नीचे है आपको ये पोंसारी के ऊपर पल्ली पोंसारी, ये भी उसी में आया तुम्हारा कपकोट विधानसभा क्षेत्र में। और ऊपर संगानी आ गया आपको, देखो ठाड़क रहा है ये पीछे, देखिए आपको कितना खतरनाक जंगल है पीछे, बाजी बांध है वहाँ पूरा, देखिए आप कहीं भी घास का नाम कहीं भी नहीं है। आप पहुँचे हम सुगर खाली के
स्टैंड में, और यह हमारा कर्म गुड़िया है। ये जय हो। इसका मतलब होता है कि ये हमको जहाँ जाना होगा था वहाँ जल्दी पहुँचा देगा, ऐसी श्रद्धा भावना है इसके प्रति। तब तो बनाया गया है और ये सब लोग चलाएंगे यहाँ। चलाओ रे। ये टॉप में जाना है अभी हमने पार। अभी पहुंचने वाले हैं हम, क्या बोलते हैं, पांडव स्थल में, और बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। गर्मी बहुत लग रही है, तो टोपी भी निकाल दी हमने। जय श्री कृष्णा। बोलो रे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे की नगरी आने वाली है पांडव स्थल, कृष्ण की नगरी, पांडव की नगरी, पांडव स्थल आने वाला है। पहुँचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। और अभी तो चढ़ाई में हमारे हालत ख़राब हो गई थी। अभी तो उसको तिरछा आ गया है। अरे अभी पैरों में दर्द हो रहा है। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा चलने में? हाँ, आज से 25 साल पहले आया था मैं यहाँ पर, अब 25 साल के बाद आ रहा हूँ। तो उस टाइम में नीचे ऊपर पूरा बजाने था, यहाँ बाँझे बाँस था चारों तरफ, और आज तो दिख नहीं रहे हैं बाँस के पेड़, बहुत ही कम हो गए हैं, खाली नज़र आ रहे हैं, खाली खाली है। 25 साल बने थे हम स्कूल पढ़ते थे, स्कूल के टाइम पर आया करते थे हम यहाँ पर 1998-99 में। तो आज उसके बाद आज ही आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। और तो काफल के पेड़ देख रहे हैं, बांस के देख रहे हैं कि कम हो गए हैं, नीचे को भी देखिए ये बहुत ही कम है। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पसीना के नाम ही नहीं है मेरे सर पर आज, बिल्कुल पसीना नहीं है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कोई ये मंटू सिंह है, मनीष यादव, पीछे से संजय कुमार मिश्रा, और पीछे से गौरव भाटिया, और पीछे से है विक्रम सिंघानिया। पच्चीस साल पहले जब हम यहाँ गए थे तो हमको बहुत सारे जड़ी बूटी मिला करते थे वहाँ पर। तो आज 25 साल के बाद जा रहे हैं हम गए जो वहाँ, और उसी जड़ी बूटी को फिर ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे कि वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है अभी इस टाइम पर, क्योंकि इस मुश्किल है, कई लोग बोलते हैं वो चीज़ है नहीं वहाँ पर अभी। और तो ये रास्ता आगे आपके दिख रही है, रास्ता भी है ये ऊपर से भी रास्ता आ रहा है। ये क्या बोलते हैं, बैसानी, इधर से आते हैं बैसानी, कनाली कोट, सुमटी, ये लोगों का आने का रास्ता है इधर से, फिर यहाँ पर चौराया है, ये चार रास्ता है, फिर यहाँ से ऊपर को चल देते हैं ये। अब तो सब छावेगी हो, आप चर्च डाउन, आप चर्चे चर्चे आ गए नहीं हो, रिलैक्स हो। आओ रे, आओ आओ आओ, डरो ना। यहाँ बस्ती भी है लोगों की है, ये देखिए यहाँ पर, यह कपड़े धूम डाल रखे लोगों ने, ये तो ऊपर लोग रहते हैं यहाँ देखिए। जो लोग यहाँ पर प्रवास करते हैं, निवास करते हैं, तो उनके भी गाय बकरियों का खुलने का टाइम भी हो गया, भीड़ भी है, बकरियाँ भी बहुत सारे, 200-300 भीड़ यहाँ पर है। यह बहुत दूर है गाय जी, और उन्हें अपने कमरे में कैद कर, ये है भीड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पर, और लोग भी रहते हैं यहाँ पर। ये ऊपर इस साइड में आपको मकान दिख रहे हैं, वहाँ मकान ही है यहाँ लोगों के, 12 महीने यहीं रहते हैं लोग। तो ये आ रहे भी है बकरियाँ, इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ मौसम, बहुत ही ठंडा हो रहा है यहाँ। ये तो ये भेड़ पालक है यहाँ पर, भेड़ पालक हैं, बकरियाँ पाल रखे हैं, और ऐसे भयानक जंगल में रहते हैं लोग। और इनसे अगर बोलेंगे ज़रा, जब तो ये गर्म भी हो जाते जल्दी है, ये ज़्यादा बात भी नहीं करते लोगों से ये लोग। तो गए जब हम पहुँचने वाले हैं पांडव स्थल, और कुछ ही क्षणों में। तो ये रास्ता देखो आप कितना, यहाँ लगा लोग साल भर में एक ही बार आते हैं यहाँ पर, और बाकी जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो उस टाइम की सड़क बनी हुई है अंग्रेज़ों द्वारा, और ये पूरे पहाड़ के ऊपर ऊपर बनी हुई सड़क है ये, और ये सड़क अभी की जैसी की तैसी है, देखो आप, देखिए आप। और ये पूरा पांडव स्थल से लेकर गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पूरा लिंक है ये सड़क, ऊपर ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो ये सड़क, वही सड़क बता रहा हूँ आपको, जो जिसमें बच्चे चल के आ रहे हैं ये पीछे से, तो ये अंग्रेज़ों का बना हुआ सड़क है। तो ये गढ़वाल से कुमाऊं लिंक है हमारा, और ऊपर ये ऊपर जो हमारे जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ऊपरी सड़क बने हुए हैं ये, जो मेरे पीछे दिख रहे हैं जिसमें मैं चल रहा हूँ अभी है। तो
तो ऐसे काम किए हैं अंग्रेज़ों ने, इतने भयंकर जंगलों में सड़क बना दिए। और अगर 10 साल 15 साल अंग्रेज़ और हमारे देश पर अगर राज करते तो आज यहाँ पर गाड़ियाँ चलती, कारें चलती, बाइकें चलती, और तो लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में जिसका जिस गांव से जितना नज़दीक करीब है जितना दूर, तो उस हिसाब से लोग अपने टाइमिंग से पहुँच जाते यहाँ पर। तो बच्चे लोग थक गए हैं, पीछे रह गए। और अभी 1 घंटे का समय और है हमारा, जहाँ हमारा मंजिल है जाने पहुँचने का आज का, तो 1 घंटे का समय है। और बने रहे वीडियो में, वीडियो ज़रा लंबी लंबी बनेगी, तो ज़रूर देखें वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आपको कमेंट्स करें, बेहतर करें कमेंट्स। वैसे भी हम पांडव स्थल पहुँच गए हैं और एक खरीक है यहाँ पर छप्पर चातुर्मास का, और ये पूरा जब आपको झाड़े दिख रहे हैं पूरा ये बिच्छू घास है चारों तरफ। और अभी घर में कोई नहीं है, वहाँ सब गाय भैंस खुल गए होंगे उनके, और चारों तरफ बिच्छू घास है। और ये पहाड़ जो धार दिख रहा है आपको, यहाँ जाना है हमको ये। और ये हो गया है खंडहर। तो गाइस ये है आपका पांडव स्थल, और पांडव स्थल की भूमि में पहुंच गए हम अभी यहाँ पर। और यहाँ पर खेत है पहले, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 12 महीने लोग रहते हैं, यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी किसी टाइम पे, तो अभी है नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, और खाली एक गौशाला बना रखा है यहाँ पर। ये एक ही बस्ती है यहाँ पर, बाकी नीचे नीचे रहते हैं लोग। ये पुराना हो गया है, ये खंडक है पूरा, देखिए ये। और यहाँ से दूर दूर तक आपको जहाँ जहाँ तक नज़र आएगी आपको कौसानी, बागेश्वर, गढ़चुअल डन पूरा दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये है पांडव स्थल का सुंदर दृश्य यहाँ पर। और कई लोग ये देखिए आसमान की कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत है देवभूमि उत्तराखंड हमारी। और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ है और खंडक ही खंडक है। और ये लड़के भतीजे लोग हैं मेरे, ये मेरे साथ हैं, ये हमारे गैंग है, सुबह से चल रही है ये। और चारों तरफ देख रहे हैं आप कितनी सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। ये बिरखाल दिख रहा है आपको, नीचे गांव है ये ऊपर दाबों, हड़ाप, बजेक, भगदानु, सुराग, पूरा एरिया है ये। हो जाए हो जाए हो जाए हो पंडित जी था। और यहाँ पर दो बत्ती हो गई है, हो जय हो प्रभु नर। तो ये मंदिर है यहाँ का पांडव स्थल का, धर्मनगरी धर्मस्थल। और बहुत ही भीड़ भाड़ है यहाँ पर, दुकानें भी काफ़ी है, पानी का तालाब है यहाँ पर बना हुआ है, ये 2 तालाब है यहाँ पर। यहाँ देखिए लोग बाग बहुत भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पर, ये तालाब यहाँ पानी का है। और बहुत ही गाइस अब लंच का टाइम, लंच भी शुरू हो गया हमारा। ये रोहित सरदार ना बैठे हैं यहाँ पर, ये उसके बाजू में है योगेश यादव, संजय सिंह खन्ना। बहुत भयंकर भूख लगी है, अब लंच हो रहा, कोई आलू के गुटके आए हैं, कहीं खीर आए हैं, दही आए हैं खूब दबा के। ये देखिए दही, ये आलू के गुटके मस्त वाले, और कहीं पूरी भी आए हैं, पराठे आए हैं, और मिलते हैं आपको खाना खाते हैं, भूख लगी बहुत दूर। अभी हम पहुंच गए पांडव स्थल में, मंदिर में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं, पंडित जी। और तो पंडित जी प्रणाम। और पंडित जी एक गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में मध्य में बैठे हैं मंदिर में, और पंडित जी कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, तो आप पंडित जी से शुरुआत करेंगे।